कांग्रेस का गारंटी पत्र आ चुका है और हरियाणा की जनता देख रही है, बीजेपी भी जारी कर रही है। सवाल इस बात का है कि सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है, क्या उस सरकार पर जो 10 साल से हरियाणा की सत्ता में है, या सत्ता परिवर्तन होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय हम चाय की दुकान पर है। चाय की दुकान पर हर तरीके के लोग होते हैं, युवा बुजुर्ग सब लोग होते हैं, और सोच में सब जवान हैं, क्योंकि ये हरियाणा है, यहाँ पर बहुत बिंदास माहौल है। और जब आप यहाँ पर होते हैं तो चाय की चुस्की के साथ राजनीति की भी चर्चा होती है, और राजनीति तो इसलिए भी ज़रूरी हो गई है क्योंकि इलेक्शन हरियाणा में अपने तापमान को ऊपर छू रहा है और चरम पर है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने हिसाब से दावे कर रही हैं, वादा कर रही हैं कि हरियाणा के लिए वही डेवलपमेंट करेंगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि लोगों के मन में चल क्या रहा है, किसके दिल में कौन सी पार्टी है, और कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर के हरियाणा की जनता आगे बढ़ेगी, क्या कोई परिवर्तन होगा या फिर सत्ता फिर से रिपीट होगी। इन सारे सवालों के बीच एक सवाल ये भी है कि अरविंद केजरीवाल की भी एंट्री हो रही है हरियाणा के इलेक्शन में, वो अरविंद केजरीवाल जो अब दिल्ली से निकल करके हरियाणा तलाशना चाहते हैं, हरियाणा नापना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए हरियाणा की जनता के मन में क्या है, ये भी हम सवाल करेंगे। लोग हैं हमारे साथ, चाय है और चर्चा होगी, और ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि बिल्कुल बिल्कुल रियल रियल चर्चा है, ग्राउंड की चर्चा है। तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि हरियाणा चुनाव का मुद्दा क्या है। आप ये बताइए, आपसे ही शुरू करते हैं, कि इस सिलेक्शन का मुद्दा क्या? सर, मुद्दा पार्टियों के हिसाब से है। सारी पार्टियां मुफ्त में चीज़ देने को तैयार हो रही हैं लोगों को। कोई 6,000 पेंशन का रिक्वायरमेंट बता रहा है, कोई किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट बता रहा है। मुद्दे जो एक्चुअल मुद्दे, उन पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। आप हेल्थ और एजुकेशन को करो, मैं तो दोबारा से ही कह रहा हूँ, हेल्थ एजुकेशन करो, लोग सारे मुद्दे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आप आज के टाइम पे MBBS की पढ़ाई देखो, जाके करोड़ों में जाके पढ़ती है, आप वहाँ पे कुछ काम करो, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन पे काम करो, तो इन पे जब काम होगा तो मुद्दे अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। सरकार वही मुद्दा नहीं खत्म करना चाहती है। या तो लड़ाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसकी है लड़ाई। जाति पाति का भेदभाव बना रखा है, तो इन मुद्दों से हटके अगर कोई राजनीति करता तो ठीक है। और जैसा आपने कहा, केजरीवाल जी आ रहे हैं, वो सबसे बड़े भ्रष्ट आदमी हैं। भ्रष्ट नहीं होते तो जेल नहीं जाते। कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया जो सरकार ने उनको अंदर किया है। या जो पॉलिटिकल पार्टी आई थी भ्रष्टाचार मिटाने, जो पॉलिटिकल पार्टी आई थी भ्रष्टाचार का नामो निशान मिटाने, 100 करोड़, वो भी शराब की बात हो रही है, चर्चा हो रही है, आरोप है कि घोटाला हुआ, कुछ सच्चाई है भी? देखिए, ये तो है जो बीजेपी की ही बी टीम बनकर काम करना चाह रही है। अरविंद केजरीवाल को जेल से क्यों छोड़ा गया? हरियाणा के अंदर चुनाव को खराब करने के लिए, इसलिए अरविंद केजरीवाल को छोड़ा गया है। आज से पहले ये देखे ना, जब तक इंडिया गठबंधन था, जब तक गठबंधन का फैसला नहीं हुआ, उस समय क्यों नहीं छोड़ा गया? बीजेपी अपने दबाव में इनसे अरविंद केजरीवाल से काम करवाना चाह रही है। अरविंद केजरीवाल से ये बीजेपी अपने लिए काम करवाना चाह रही है। अच्छा, तो मतलब आपको लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, तो ये बीजेपी को फायदा होगा? एक फायदा और नुकसान का तो जो रिजल्ट बताएगा किसको होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल कोशिश है, ये उनको अरविंद केजरीवाल को उन्होंने पूरी चुड़ी चढ़ा रखी है। जाओ और लड़ो हरियाणा, हरियाणा में लड़ो और माहौल खराब करो, माहौल खराब करो। अरविंद केजरीवाल पहली बार ये कह रहे हैं कि माहौल खराब करने वाले लीडर हैं। और अच्छा, तो देखिए यही बात हम पूछ लेते हैं, अरविंद केजरीवाल सच में क्या माहौल खराब करने वाले लीडर? चलो जी, वो नेताजी जैसे भी होंगे, पर हरियाणा में बेसिकली अगर हम बात करें प्रॉपर, हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा में मुझे नहीं लगता किसी भी विधानसभा पे उनके 2,000 से 4,000 वोट भी होंगे। अरे वो तो कह रहे हैं धमक बनाएंगे, पूरा जीतेंगे। तो जी 8 तारीख को पता लग ही जाएगा। ये बताइए, बिजली पानी पर दिल्ली उनको हमेशा सपोर्ट करती रही है, यहाँ पर भी वो कुछ ऐसा करते फिर क्या होगा? जी दिल्ली में ना इन्होंने बेसिकली ना गरीब तबके को टारगेट करके उनको मुफ्त की सुविधाएं दी, 200 यूनिट बिजली दी और फैसिलिटीज दी। शायद उनका शुरू के पहली टर्म का काम ये थोड़ा अच्छा था कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक दिए, पर आज जाके आप दिल्ली देखोगे तो बहुत बुरा हाल है, सफाई व्यवस्था गर्क में जा चुकी है जी। यहाँ से आप टिकरी बॉर्डर आता सर, हम दिल्ली जाते हैं, दिल्ली टिकरी बॉर्डर से लेके आप मुंडका पार करके दिखा दो सर, 4 घंटे तक पानी का तालाब बना हुआ है वहाँ पे, और ये एक दिन का नहीं है, वो महीनों हो गए उसको। मतलब दिल्ली जाना हुआ, अब तो दिल्ली दूर हो गई हमारे से, दिल्ली दूर हो गई क्योंकि पानी भर जाता है, समस्याओं का अंबार है। जबकि केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने जो है दिल्ली को
पेरिस की तरह बनाने की कोशिश की बात हो रही है। तो चर्चा रोहतक की भी होनी चाहिए, क्योंकि रोहतक में है तो रोहतक के मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे यही बात कर लेते हैं कि रोहतक की बात करें अगर आप, तो मैं कह रहा था ना मूंछों पर ताव देते हुए, बताइए आपके रोहतक में क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए? इतना ही काम हुआ और वहीं रुका हुआ आज। रोहतक में एक इंच कुछ नहीं हुआ, एक इंच भी कोई ऐसा काम बताएं, कुछ भी पूछिए आप, ना कोई सड़क सफाई, ना कोई नई कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, किसी चीज़ का कुछ भी नहीं, वहीं के वहीं मामला ठप है रोहतक के अंदर। मामला अटका पड़ा है, बिल्कुल अटका हुआ है। 10 साल में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ रोहतक के अंदर। अच्छा, चलिए ठीक है, आप बताइए विकास हुआ ही नहीं? विकास ही, अब कल सिविल लाइन थाने गए थे जी हम ढूंढने, पिछले 10 साल से तो मिल नहीं रहा है जी। अगर मिलेगा तो आपके न्यूज़ चैनल के हिसाब से आप हम बताना जी, आप तो सारा शहर अब हरियाणा घूमेंगे, कहीं मिल जाए तो बताना जी। विकास तलाश रहे हैं आप? विकास तलाश रहे हैं जी। यहाँ तो खाली मुद्दा विकास के नाम पे जी मंदिर बना दिया जी, मगर उससे रोजगार तो लोगों को नहीं मिलेगा। मंदिर बनाया है, आस्था है लोगों की, चलो अच्छी बात है, मगर उसके साथ जो जमीन पड़ी थी, एक कॉलेज या कुछ स्कूल बना देते, बच्चे पढ़ भी जाते तो चलो ठीक रहता, मैं एक मंदिर बनाने से तो जी विकास नहीं होने वाला। क्या करते हैं? मेरा जी बिजनेस है जी। हाँ जी, बिजनेस ठीक चल रहा है? बिजनेस तो जी चले जाए जी, बच्चे रोटी खा लेते हैं भाई, इतना ही है। ईडी सीबीआई तो नहीं आई? ना जी नहीं, ऐसा तो कुछ दिन नहीं, नहीं नहीं। फिर भी आप कोस रहे हैं, बताइए। नहीं कोस तो क्या रहे जी, आप बता दो जी, आपके आपके अपने जहाँ से शहर से आए आप बता दो, आपके अपने शहर में कौन से यूनिवर्सिटी या कॉलेज बने 10 साल में? मैं तो आपसे भी सवाल पूछ सकता हूँ जी। सवाल पूछिए ठीक है, लेकिन इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए, ये कह रहे हैं विकास को थाने में तलाश रहे हैं, और दुनिया कह रही है, भारत कह रहा है कि हम दुनिया में नाम कर रहे हैं, दुनिया भर में नाम कर रहे हैं, भारत का नाम ऊंचा हो गया, पूरी दुनिया भारत की चर्चा कर रही है, ये कह रहे हैं विकास कहाँ है, आप क्या कहेंगे? विकास तो हुआ है, विकास क्यों नहीं हुआ? लोगों इनको नज़र नहीं आ रहा, एलिवेटेड रोड बना, एलिवेटेड ट्रैक बना, रोहतक शहर के अंदर 90 शौचालय बने और सड़कें बनी, सफाई व्यवस्था में रोहतक हरियाणा में दूसरे नंबर पे आया, और क्या चाहिए, और कैसे विकास होता है? अब इनकी इनको ना मिल रहा होगा, इनको कुछ दिन पहले मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा। कुछ दिन पहले ये भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर थे, इनको मिल रहा था, अब ये कांग्रेस के सपोर्टर हो गए, इनको नहीं मिल रहा। अच्छा एक बात बताओ, विकास नहीं हुआ, इनका MLA था विधायक बालभूषण बत्रा, यहाँ पे विधायक था 5 साल में, उसने क्यों नहीं विकास करवाया? फंड तो उसको भी मिलते थे, फंड तो सबको बराबर मिलते हैं, उसने क्या किया? AC में बैठ के हवा लेता रहा, और क्या किया उसने? कुछ बताओ, क्यों? अगर उसके उसकी वो कहता मेरी चलती नहीं थी तो भाई सड़कों पे आते, दरी बिछाते, प्रोटेस्ट करते, लोगों को साथ लेके DC ऑफिस जाते, मुख्यमंत्री का घेराव करते, और किसी का घेराव करते। एक तरफ वो बंदा जो जो किसी संवैधानिक पद पर भी नहीं है, वो विकास करवा रहा है, रोज बैठे काम कर रहे हैं लोगों के। आप जरा ये बताइए, आप सफाई अभियान कह रहे थे, कल रात की न्यूज है, देखिए आप फोटो, एक दिख रहा है कितना बढ़िया कचरा पड़ा है, नंबर 1-2 पर आता है ना पूरे हरियाणा में। हरियाणा आप जाकर गोहाना रोड पे देखिए, रास्ता भी नहीं है वहाँ पर, खुलेआम चिकन की दुकानें लग रही है। अरे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, हर किसी को तरीके से काम करने के लिए सिखाया गया था, इनकी तरह खुलेआम नहीं था। ये देखिए सड़क पर आप कचरा कैसे फैल रहा है, ये नंबर 2 पर हरियाणा में सफाई का काम चल रहा है। आज भी देखिए सुबह 9 बजे साथ वाले दुकान वाले ने फ़ोन करके बुलाया कि आप आकर ट्रॉली से अपना कचरा उठा लीजिए, सफाई के लिए कोई करने नहीं आ रहा है इनके लिए। ये कहते हैं भी सफाई का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इनके पास आएंगे। आप बताइए, टीका तो आपने बड़ा जोरदार लगाया है, इस बार तिलक किसको लगेगा जीत का? तिलक तो कांग्रेस को ही लगेगा जी, बस कांग्रेस पार्टी को। और हमारे प्रधान जी ने ये कहा कि कल तक ये BJP में थे, तो 10 या 12 साल पहले प्रधान जी खुद कहाँ थे? इनेलो पार्टी के प्रमुख थे, ये अध्यक्ष बने हुए थे ये। तो ये तो भैया ये नेचर है हमारे रोहतक के कई लोगों का, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन शुरू से कांग्रेस और कांग्रेस और कांग्रेस कांग्रेस। मतलब आप कांग्रेस सही करे तो आपके साथ, कांग्रेस बुरा करे तो उसके नहीं, कांग्रेस ने कभी गलत किया ही नहीं। अरे बताइए, ये कह रहे हैं कांग्रेस कभी गलत नहीं करती, ये अंधभक्त नहीं है? आप बता दो जी कौन सा गलत काम हुआ है जी? ये तो कांग्रेस ने तो जी अपने देश के लिए शहीदियाँ दी हैं, आप BJP में एक शहीद बता दो जी जिन्हें शहीदी दी हो जी आज तक, आतंकवाद के खिलाफ या देश के लिए, मतलब कि अरे आतंकवाद भी एक इशू है क्या? हाँ जी, BJP तो गरी हमने खत्म कर दिया, पुलवामा हो गया जी, BJP में कहाँ खत्म हो गया जी? मतलब आज़ादी के इतने साल बाद भी अगर पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, सफाई व्यवस्था नहीं है, तो विकास गया कहाँ? आप ही बताइए, क्योंकि अकेले मोर्चा आप संभाल रहे हैं, आप ही बताइए विकास। अभी तो तस्वीर दिखा दी इन्होंने,
कि तस्वीर ठीक नहीं है, आप क्या कहें? देखो ऐसा है, ये तस्वीर इन्होंने जो दिखाई है सड़क की रात की है, तो दिन में सफाई तो दिन में होगी, रात को थोड़ी होगी। रात को किसी के घर में जाके 12 बजे सफाई करवाएंगे क्या? ये तो रोड की बात कर रहे हैं। हाँ रोड की बात कर रहे हैं, मेन रोड की बात है, तो सुबह सफाई हो जाएगी। सुबह घर हर घर में वो गली में जाता है वो उनका नगर निगम का गाड़ी जाती है, हर घर में सफाई हो जाती है, सड़क पे सफाई हो जाती है, हो जाएगी वहाँ भी सफाई। अगर मान लो किसी कारण से नहीं हुई तो अब हो जाएगी। तो इनका जो MLA है, मान लो मैं कहता हूँ सफाई नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, मैं कहता हूँ सफाई नहीं हुई, पानी नहीं आता, पानी नहीं आता, ठीक है, इनका MLA क्या कर रहा था, क्यों नहीं इसने वो जवाब दो, जवाब आप ही दो। MLA ने तो खूब प्रोटेस्ट किए हैं, खूब आवाज उठाई है, जितनी MLA ने आवाज उठाई है विधानसभा के अंदर, कह रहे बाहर निकले ही नहीं। का कोई भी विधायक इतनी आवाज नहीं उठा पाया है, वो अपनी सरकार से नहीं लड़ पाया है। विधायक जी विपक्ष में होते हुए पूरे रोहतक के लिए लड़े, उन्होंने विकास कार्यों के लिए लड़ाई लड़ी। ठीक है आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। अगर उन्होंने आवाज नहीं उठाई तो उनको 2014 या 2009 में बेस्ट MLA का अवार्ड क्यों दिया गया? बेस्ट MLA का अवार्ड मिल गया, बताइए क्यों दिया गया, किस वजह से दिया गया, इनसे पूछिए एक बार। किसको दिया गया? भारतभूषण बत्रा जी को, जो अभी MLA है कांग्रेस पार्टी के है। किसने दिया ये अवार्ड? विधानसभा में दिया। देखो 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 एक एक मुद्दा ठीक है। ये बताइए कि यहाँ पहलवानों को लेकर के बहुत चर्चा है, पहलवान राजनीति में आ गए हैं, पहलवान खास करके विनेश फोगाट की बात हो रही है, उसके बाद बजरंग पुनिया की बात हो रही है। अब जब ये लोग राजनीति में आए हैं तो क्या तस्वीर कुछ बदलेगी, या फिर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था जंतर मंतर पर पहले से ही तय था कि ये विरोध ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे? ऐसा है, ये जो खिलाड़ी हैं उनका राजनीतिकरण हो गया है। हाँ। खिलाड़ियों का राजनीतिकरण हो गया। जंतर मंतर में जो धरना था ना, लंबे समय से चल रहा था और लंबे से चलता, ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित धरना था, ये कांग्रेस ने करवा रखा। दीपेंद्र हुड्डा वहाँ जाता था, भूपेंद्र हुड्डा और भी कांग्रेस के नेता वहाँ जाते थे। दीपेंद्र हुड्डा कुश्ती संघ का चेयरमैन था, लेकिन वो हार गया। कितने वोट? 7 वोट मिले थे उसको। वो कुश्ती संघ का चेयरमैन था, उसको ये टीस थी कि मैं हारा क्यों, उसने उसको प्रवोक किया उस धरने को। और रही इनके बाद, ये कह रहे हैं भाई साहब, मेरे मित्र कह रहे हैं छोटे भाई कि कांग्रेस के विधायक को सर, ये देखिए छोटे भाई का जवाब मिल रहा है आपको, सर्वश्रेष्ठ विधायक का दर्जा मिला है। किसने दिया? अरे भाई सरकार तुम्हारी, मुख्यमंत्री तुम्हारा, MLA तुम्हारे, तो उसको तो मिलना ही था। वो चाहता है MLA, आज भी अखबार में पढ़ो, आज भी अखबार में लिखा हुआ है, हुड्डा के खास MLA। हाँ खास MLA क्या होता है ये भी जानेंगे। आप कुछ कर रहे हैं? वो जनता के भी खास MLA हैं, उड़ा के नहीं है, ये जनता के भी खास MLA हैं। फिर देखना हमारे जो विधायक हैं हरियाणा के अंदर, जो सबसे बड़ी जीत में अगर टॉप 5 जीत होगी तो वो विधायक भारतभूषण बत्रा की जीत होगी। टाइम बताएगा? बिल्कुल देखेंगे, हैं हमारा आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ मैं अकेला बैठा हूँ, मैं भी फोन करके अपने बंदों को बुला सकता हूँ, मैं भी फोन करके अभी बुला देता हूँ 20-30 बंदे अभी बीजेपी के जो वो हैं। जरा इधर आ जाइए, आप भी आई जाइए, मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ। आप बताइए, चाय तो बहुत बढ़िया ली रखी है, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जरा ये समझिए इस तस्वीर को। ठीक है आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी थी, MLA हमारे थे, मुख्यमंत्री हमारा था, तो इनकी सरकार में डबल इंजन की सरकार थी, तो रोहतक के हमारे MLA भी थे, वो सरकार का मंत्री भी थे बीजेपी के, मनीष ग्रोवर जी, तो आपने ये अवार्ड उनको क्यों नहीं दिया? अच्छा आप कुछ कह रहे हैं? इनके MLA रहे, 5 साल रहे, इनकी सरकार रही और बीजेपी सरकार फिर रिपीट करी, तो MLA रोहतक से क्यों नहीं जीत पाए फिर? ये मनीष ग्रोवर जी क्यों नहीं जीत पाए? जनप्रतिनिधि थे तो उनको रोहतक ने क्यों नहीं चुना फिर? सरकार भी इनकी थी, इनके जो मेयर हैं वो इन पे आरोप लगाते हैं। मुद्दा क्या है ये बताइए, मुद्दा क्या है इलेक्शन का? भारतभूषण बत्रा जी 30,000+ वोटों से जीत के MLA बनेंगे, विधानसभा पहुंचेंगे और मंत्री बनेंगे। इतना भरोसा क्यों है आपको, वही तो बताइए। भरोसा ये जन प्रतिनिधि हैं और रोहतक की जनता इनके साथ है, रोहतक की जनता साथ है। पूछ लेते हैं, ये बताइए सर आप, चाय का स्वाद कैसा है? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। किसका स्वाद बढ़िया होने वाला राजनीति में बता दी जी? राजनीति में इस बार जीत का स्वाद कौन चखेगा? कमल का फूल,
बिल्कुल, जो काम हुए हैं सौ में काम बहुत अच्छे हुए हैं, जो सबके हुए हैं, इंडिविजुअल काम नहीं हुआ इस सरकार में, इंडिविजुअल काम किसी का नहीं हुआ, सामूहिक काम ऐसे ऐसे हुए हैं, लोगों को नौकरी मिली बिना खर्ची बिना पर्ची के, रोड्स बने बिना रिश्वत नहीं लगी, गरीब बच्चे लगे हैं बिल्कुल, अब मेरिट पे जो आए हैं वो बच्चे लगे हैं, बाकी रोड बहुत अच्छे बने हैं, 152 डी बना इधर, रास्ता अंतर रोड बहुत बने हैं। ठीक है, आपके पास जरा ये बताइए, नहीं, आप कुछ कह रहे थे, इधर आइए। क्या नेशनल हाईवे स्टेट के अंडर आता है? जो ये बात कर रहे हैं वो नहाई ने बनाया है नेशनल हाईवे। नितिन गडकरी जी अपना काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, पर्ची खर्ची बहुत महत्वपूर्ण है, नितिन गडकरी जी को यहाँ पर समर्थन है, और क्या कमाल का समर्थन है, बीजेपी का विरोध मगर नितिन गडकरी का समर्थन। और सबसे बड़ी बात जो ये बोल रहे हैं बिना पर्ची खर्ची के, क्या ये वाजिब है कि एक पीएचडी का बंदा ग्रुप डी की नौकरी भर रहा है? क्या ये वाजिब है? पीएचडी का बंदा, पीएचडी करा हुआ आदमी ग्रुप डी चपरासी की नौकरी भर रहा है, चपरासी लगेगा वो पीएचडी? क्या डॉक्टरों की ये औकात हो गई अब? जिनको हम डॉक्टरेट बोला करते हैं वो अब चपरासी लगेंगे? उनके लिए कोई पद खाली नहीं है। तो लगता है कि कांग्रेस आएगी सब ठीक हो जाएगा? कांग्रेस आएगी, विकास तो करेगी, नौकरी तो लगाएगी। आप नौकरी देख लो कितनी लगी हुई है, ए क्लास बी क्लास नौकरी सारी भरी थी हुड्डा साहब ने। आज तक HCS का पेपर एग्जाम 2018 का आज तक नहीं हो पाया, 6 साल हो गए। शेम ऑन द सरकार, 2 बार सरकार रिपीट हो चुकी है, 14 से 24 में हम चल रहे हैं, 2 बार सरकार रिपीट हो चुकी है, 19 में, 18 की नोटिफिकेशन आज तक नहीं आई। ठीक है, नौकरी बड़ा मुद्दा है क्या इस सिलेक्शन में? क्योंकि कोई भी सरकार आती है तो अमूना नौकरी नहीं मिल पाती है, सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, बीजेपी की बात नहीं है, नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के सरकारें हमेशा पीछे रहती हैं। 10 साल के शासन काल में क्या आपको लगता है कि सरकार ने इस पर कोई काम ही नहीं किया? क्यों नहीं काम किया? सरकार ने 146,000 नौकरियां दी है, हुड्डा साहब ने 86,000 नौकरियां दी थी, इस सरकार ने 146,000 नौकरी दी है, तो नौकरी दी है ना। HCS भी लगे, जस्सी गांव का लड़का है, HCS लगा है, ये जस्सी हमारे पड़ोस में ही है, और उस टाइम क्या होता था, एक वर्ग विशेष के लोगों को नौकरी मिलती थी, एक क्षेत्र विशेष के लोगों को मिलती थी, आज पूरे हरियाणा में नौकरी मिल रही है, आज पूरे हरियाणा में नौकरी मिल रही है, उस टाइम एक वर्ग विशेष, जाओ ये कौन है फलाना, चल भाई मैं आपको ऐसे ऐसे ऑफिसर दिखा दूं जो कांग्रेस हुड्डा राज में लगे हैं, जिनको ABCD तक नहीं आती और ऊपर वाली पोस्टों पर लगे हुए हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, उसकी नौकरी चली गई। जॉब जो है धर्म देखकर जात देखकर दी जा रही थी, इनका ये कहना है, कौन जवाब देगा बता दीजिए, मैं माइक दे देता हूँ। अभी जो भी गजेटेड ऑफिसर आरोपों का इनका जवाब, मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि किसी एक विशेष क्षेत्र को इन्होंने कहा कि प्रेफरेंस दी है, अभी पीछे गजेटेड पोस्ट लगी है, गजेटेड ऑफिसर लगे हैं, वो कौन से कैडर से लगे हैं, कोई गुजरात से, कोई MP से, हरियाणा के कितने अफसर लगे हैं पूछे तो सही आप इनसे, नीट का पेपर कहाँ पे लीक हुआ है? ये कहते हैं कि बेरोजगारी खत्म कर दी, आप हरियाणा में आंकड़े उठा के देखें कितने पेपर लीक हुए हैं और कितने पेपर कैंसिल हुए हैं और कितनी भर्तियां खारिज हो गई है। आप हुड्डा साहब ने सबका साथ सबका विकास की नीति को आगे बढ़ावा दिया है, 2000 मोदी जी का नारा ही चुरा लिया आप, नहीं ये क्या बात कर, 2005 से लेकर 2014 की सरकार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में इतना विकास करवाया, ना कभी कोई धर्म देखा, ना कभी कोई जाति देखी, ना कोई वर्ग विशेष देखा, सबके साथ सबका विकास में विश्वास किया और बहुत अच्छी सरकार चलाई। आज बहुत अच्छी सरकार चलाई तो चले क्यों गए, ये तो बता दो, आप जवाब दे दो, चले क्यों गए, क्यों गए? वो तो बदलाव की आंधी थी, फिर 2019 में इनकी पूर्णतः सरकार क्यों नहीं आई? 2019 में हरियाणा की सरकार को जो सब अच्छा किया, सब बेहतर किया, नौजवानों का ध्यान रखा, एजुकेशन पे काम किया, सड़कें बनवाई, फिर गायब क्यों हो गए 10 साल के लिए? तभी 2019 के अंदर पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिला, इनको भी गठबंधन ठग बंधन की सरकार चलानी पड़ी। किसके साथ? दुष्यंत चौटाला, जिसकी फिर छाती में छुरा बोका, पीछे नहीं छाती में, 4.5 साल बाद क्या आ गया जो उसको हटाना पड़ा? 4.5 साल बाद आपको क्या याद आया कि हम ये ठगबंधन छोड़ रहे हैं? क्यों छोड़ा? क्योंकि बहुमत तो था नहीं, खुद के पास बहुमत कहाँ था, खुद के पास बहुमत होता तो इस बार मोदी जी प्रचार अभियान संभाल रहे हैं, ये भी सुनने में आ रहा है। तो
ये देखो कि सिर्फ एक हुड्डा साहब ने मोदी जी को हरियाणा में दो बार उतरने पे मजबूर कर दिया, जो कि नेशनल लेवल का लीडर है, स्टेट लेवल के लीडर ने नेशनल कुछ और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप जनाब? ऐसे मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, अभी हमारे बाबूजी ने बोला हमने नौकरियां दी, विकास करा, इनसे खाली विकास दिखा आपको कि नहीं दिखा? अभी इतने चर्चा के बाद, ये चर्चा के बाद भी आप विकास तलाश रहे हैं? मिल गया आप? विकास तो नहीं मिला जी, ये हमारे को तो जी नए सीएम मिला है जी, पुराने सीएम में क्या कमी रह गई थी जो उन्होंने चेंज किया? मैं तो बीजेपी से एक ही सवाल करना चाहता हूँ, क्या कह रहे हैं बताइए? ये कह रहे हैं कि सीएम क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि ऐसा जी ये तो है नहीं, एक ही आदमी पूरी जिंदगी राज करेगा ये तो है नहीं, एक ही परिवार राज करेगा ये तो है नहीं बीजेपी में, वो तो किसी को भी उठा के बनाते हैं भाई, आम कार्यकर्ता बन जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये कह रहे हैं कि कोई भी ये नहीं है कि उसी की सत्ता रहेगी। अब आपके यहाँ तो अब भी हुड्डा ही जी बनेंगे, अब भी हुड्डा बनेंगे। अडवाणी जी का क्या हुआ फिर? इतने सीनियर नेता अडवाणी जी कहाँ है? खुटे लाइन लगा दिए, बुजुर्ग हो गया अडवाणी जी, सम्मान के साथ विदा कर दिया। सम्मान के साथ विदा करने का क्या मतलब? राष्ट्रपति तो बन सकते थे, कितने मर्जी बुजुर्ग हो जा रहा है, चिंता इनको है। देखिए अडवाणी को एक बात पूछना चाहता हूँ, इनके पास रोहतक शहर के अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है जो ग्रोवर जी से सीनियर हो या जूनियर हो? छह बार बीजेपी आपसे पूछ के, टिकट क्यों दी जाती है? ऐसा क्या विकास का कारण गया? मैं इनकी बात का एक जवाब देता हूँ शरणाज में, तुम मुझे इतनी मोहब्बत मत करो कि रोहतक शहर की बारिश में मैं डूब जाऊं। बारिश की बूंदें हैं और तालियों की थाप से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो चाय जो गरम गरम है ना, उससे भी ज्यादा गरम ये चर्चा है। ये बात आपने पूछा आपने उनसे कि भाई हमारे यहाँ तो सब लोग बन जाते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप तो एक ही प्रत्याशी को यहाँ लगातार टिकट दे रहे हो। ऐसा है, ये तो पार्टी जो संगठन है वो तय करता है, ये मनीष गौड़ थोड़ी करता है, ये थोड़ी तय करेंगे, वो तो पार्टी संगठन तय करता है किसको चुनाव लड़ना है, वही सीएम बनाता है, वही पीएम बनाता है, वही राष्ट्रपति भाई जैसे जो इनकी बात है, पार्टी संगठन तय करता है कि कौन कैंडिडेट। सुनिए ना, अरे शोर मचाने की बताइए, क्या दाग है क्या उनके ऊपर जो आप लोग इतना कर रहे? क्या कोई दाग है उस पर बात? एक इनके खुद के पिछले वर्तमान में जो एमपी थे रोहतक से, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि 350 करोड़ रुपए अमृत योजना के कहां गए? पीछे बात करता हूं, पीछे आप जरा इधर आइए, भाई साहब इधर आइए, बहुत हो गई, सबका बात होना चाहिए। आप बताइए आप क्या कह रहे हैं? देखिए पहले तो आपका मैं रोहतक पहुंचने पर स्वागत करता हूं। है आज बात चुनाव की है, आज बात लोकतंत्र में आहुति डालने की है, लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए मतदान का कार्यक्रम प्रारंभ है, हर जगह पे आप जा रहे हैं, आप देख रहे हैं। देखिए हरियाणा के कोने कोने में से आज एक लहर चल रही है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। ये लहर कांग्रेस के समर्थन में जनता क्यों है, क्यों है? आपने भी देखा होगा कि कांग्रेस क्योंकि इस जनता जैसा आप देख रहे हैं मैं नहीं देख पा रहा हूं ना, आप बताइए। मैं बता रहा हूं जनाब, आपको बता रहा हूं, क्योंकि जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त है। जनता ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में कुछ नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को लाइनों में लगाया, लोगों को, आप यहां पर अगर रोहतक में आए ना, रोहतक की जनता से जाके पूछिए कि प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, लोग अपने घर की प्रॉपर्टी बनाने के लिए धक्के खाते हैं दफ्तरों के, जो उनके दादा की जमीन है, उनके परदादा की जमीन है, वो दफ्तरों में जाके धक्के खाते हैं। पहले निगम में जाते हैं, काम नहीं होता उनका, उसके बाद निगम में जाके शाम को हो रहे वो पैसे दे के आते हैं भ्रष्टाचार रूपी, और उसके बाद भी उनको चक्कर कटा। भ्रष्टाचार तो कह रहे हैं खत्म हो गया तो फिर मनोहर लाल खट्टर जी क्यों हटा दिए गए उन्होंने, मोदी जी ने? अगर भ्रष्टाचार करके 9.5 साल एक चेहरे को रखा गया और 9.5 साल के बाद उस चेहरे को हटा दिया गया, तो बदलाव तो जरूरी है ना। अब उसी बदलाव जरूरी था तो फिर केंद्रीय मंत्री मत बनाते, बदलाव जरूरी नहीं था उनके ऊपर। बीजेपी के सारे फैसले आप करेंगे क्या? आप अपने आप सैलजा ना, बहुत सारे लोग, जनता है, जनता ही फैसला करती है। इस लोकतंत्र में जनता को अधिकार है, जनता के पास ही ताकत है। 8 अक्टूबर को जनता ही फैसला करेगी कि बीजेपी आ रही है या नहीं। हुड्डा साहब पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, 10 तारीख को वो एज अ सीएम शपथ लेंगे। देखिए इस पूरे चर्चा में एक बात समझ में आती है कि हर किसी के अपने तर्क है, अपनी बात है, अपनी धारणा है, लेकिन चुनाव की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हर कोई अपनी बात रखे, अपने हिसाब से तय करे। जाहिर सी बात है कि चाय की इस दुकान पर जब हम बैठे हैं
तो हम समझ पा रहे हैं कि हरियाणा के जमीनी मुद्दे क्या हैं, हरियाणा क्या चाहता है और हरियाणा को लेकर के एक आम मतदाता की सोच क्या है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और जगह से, तब तक देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस रोहतक।